क्या मुझे आपके घर के अंदर एक कमरा नहीं मिल सकता? बोझ नहीं बनूंगी आप लोगों पर, कोई नौकरी कर लूंगी। नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ और पूछ रही हूँ और तुम मुझे क्या जवाब दे रही हो? 12 क्लासें पास लड़की को कहाँ जॉब मिलेगी इस मुआशरे में? और अगर ये ख्याल आया भी है ना तुम्हारे दिमाग में, इसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ऐसा तो होने नहीं वाला ना बेटा। ठीक है, नहीं मिलेगी नौकरी, लेकिन आपके घर में एक कमरा तो मिल सकता है ना? मुझे एक कमरा दे दे, मैं तो वक्त की रोटी के साथ रह लूंगी, नहीं करूंगी तंग किसी को। लेकिन आप तो मेरी माँ है ना? माँ हूँ, और वो जो बेगुनाह बच्चे हैं दो तुम्हारे, उनके बारे में सोचा है तुमने? उनके साथ क्या कर रही हो तुम? मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना, मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ तुम्हारे साथ। माँ है तो बेटा, मैं तुम्हें गलत बात पे कैसे शह दे दूं बेटा? अब सारे लोग अदनान और बच्चों के साथ, और ये जो तुम शादी के इतने अरसे बाद बच्चों वाली जिद कर रही हो, ये कुकी, तुम तुम्हारी जिंदगी में कोई मर्द, आपका दिल मानता है? नहीं, लेकिन उस दिन तुम्हारे साथ कौन था? तुम किसके साथ थी? आपसे किसने कहा? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा। बाबा ये सब क्या हो रहा है? आप मामा से खुद बात करके देखें। आई एम श्योर देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर हम क्या करेंगे? हम लोग वहां आ जाएं? उससे क्या होगा, कोशिश करो तुम्हारी बात हो जाए उससे। बाबा मैंने किया था फोन, मामू ने कहा कि वो अभी थक के सोई हैं। उन्हीं की तो शह सारी है। बाबा उनका क्या कसूर है? कसूर तो सारा मेरा है। जी? Nothing. Listen, keep calling her. Get her to talk to you somehow. कभी ना कभी तो मजबूर होकर बात करेगी ना। ठीक है बाबा। और जब बात हो तो उससे पूछना कि अचानक पागल कुत्ते ने काट लिया था जो तमाशा दिखा रही है। और ये भी के? कुछ नहीं। Just talk to her and tell me what's the issue. जी ठीक है, चलिए फिर, अल्लाह हाफ़िज़।